हेलो एवरीवन। तो आज हमारे सामने खड़ी है ये होंडा की अमेज खड़ी है, और ये एक ऐसी गाड़ी है इसके जितने भी कंप्यूटर है ना उसमें सबसे ज़्यादा, चाहे इसके डिज़ाइन में कह लो, चाहे इसकी प्राइस के लिए कह लो, इसका परफॉर्मेंस कह लो, माइलेज कह लो, सबसे ज़्यादा बढ़िया आपको इसी गाड़ी में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो मॉडल खड़ा है इसका एक बेस्ट मॉडल है, सेकंड बेस मॉडल है जो कि एस नाम से यहाँ पे आता है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं बहुत कम बजट के अंदर। क्या क्या इसमें आ रहे हैं, कितने का आ रहा है, माइलेज क्या है, बताएंगे एंड तक। आप पूरा वीडियो को देखना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसका डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो इसके जितने भी कॉम्पिटिटर है उससे इसके जो डिज़ाइन को कंपेयर करेंगे ना तो एक अलग ही यहाँ पे लुक इसमें आता है। इसकी जो लुक है ना वो काफ़ी एग्रेसिव यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट प्रोफाइल, और अधिकतर है यहाँ पे क्रोम एलिमेंट यूज़ किया गया है। क्रोम से क्या है, एक प्रीमियमनेस यहाँ पे फील होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम में होंडा का लोगो हो गया, यहाँ पे भी क्रोम लाइनिंग यूज़ की गई है। ग्रिल यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए दिया गया है कुछ लाइनिंग टाइप का, बढ़िया सा नीचे भी ग्रिल दिया गया है, एयर वेंटिलेशन यहाँ पे प्रॉपर होने वाला है। और इसकी जो है हेडलाइट्स है वो यहाँ पे हैलोजन बल्ब में देखने के लिए मिलता है कुछ इस तरीके से। टर्न इंडिकेटर ये भी हैलोजन बल्ब में है, और यहाँ पे कुछ इस पैटर्न में जो है इसका DRLs यहाँ पे मिलता है, बढ़िया है, ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पे जो है फॉग लैंप के लिए हाउसिंग दी है, आप चाहे बाद में भी इसमें लगवा सकते हैं। क्रोम एलिमेंट यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा, बढ़िया लग रहा है। तो ये था कार का जो है फ्रंट प्रोफाइल, काफ़ी अपीलिंग यहाँ पे लग रहा है। अब आते हैं कार के साइड प्रोफाइल में, तो साइड से देखो बहुत शानदार यहाँ पे कार का जो है साइड प्रोफाइल यहाँ पे मिल जाता है। कॉम्पैक्ट सेडान यहाँ पे आती है ये गाड़ी। ग्राउंड क्लीयरेंस इसमें 165 mm का मिल जाता है, बढ़िया है। और जो डायमेंशन है, लंबाई 3995 mm यहाँ पे कार की लंबाई है, चौड़ाई जो है वो 1695 mm देखने के लिए मिलता है, और जो कार की जो ऊंचाई है वो यहाँ पे 1501 mm का देखने के लिए मिलता है। तो ये था डायमेंशन। अब यहाँ पे व्हील्स देखेंगे तो व्हील यहाँ पे व्हील कवर के साथ मिलता है, बढ़िया है, ज़बरदस्त लग रहा है। और जो प्रोफाइल है वो 175/65R14 का यहाँ पे मिलता है, स्टील रिम है। फ्रंट में जो है डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर में इसमें ड्रम ब्रेक्स आएंगे। मिरर जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो आ जाएंगे, साथ ही साथ भाई फोल्डेबल भी यहाँ पे मिल जाता है, बढ़िया है। टर्न इंडिकेटर ORVM पे आ जा रहे हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है डल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आ रहा है, या आप मैट ब्लैक फिनिशिंग कह लो। यहाँ पे जो विंडो वीडिंग जो आ रही है, यहाँ पे बी पिलर ये भी मैट ब्लैक टेप्ड आउट है, मैट जो है, और बॉडी कलर के यहाँ पे डोर हैंडल्स देखने के लिए मिलता है। तो ये था कार का साइड प्रोफाइल। अब आते हैं कार के रियर में, तो रियर देखो बहुत ही शानदार लुक के साथ यहाँ पे मिलता है, अलग ही यहाँ पे रोड परसेंस यहाँ पे देता है ये गाड़ी। सी शेप में यहाँ पे LED टेल लाइट्स यहाँ पे मिल जाता है, ज़बरदस्त लगता है। ब्रेक लाइट्स कुछ यहाँ पे मिलता है, देख सकते हैं, जो कि LED में है। और यहाँ पे जो है टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप, ये दोनों हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे मिलता है। IVTEC इंजन आता है, तो IVTEC की यहाँ पे बैचिंग की गई है। बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पे अलग से की भी होल दिया गया है, यहाँ से ओपन कर सकते हो, या यहाँ पे बटन भी दिया है उससे भी आप इसको ओपन कर सकते हो। बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप कीज से ओपन कर सकते हो, या यहाँ पे की होल का यूज़ कर सकते हो, या सामने से अंदर से भी इसको ओपन कर सकते हो। तो ये था इसका बूट के बारे में। और यहाँ पे देखेंगे तो होंडा का लोगो आ गया, MAZ गाड़ी का जो है नाम आ गया, टेल लाइट्स बहुत शानदार यहाँ पर लग रही है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। रियर में जो है क्रोम एलिमेंट यहाँ पे भी मिल जाता है देखने के लिए, जो काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे फील होता है। रिफ्लेक्टर दोनों साइड में है, नीचे जो है हुक दिया गया है, और ये रहा इसका एग्जॉस्ट। तो ये है इसका रियर प्रोफाइल। बाकी ऊपर जो देखेंगे तो यहाँ पे प्लेन ग्लास है, हाई मोड स्टॉप लैम्प यहाँ पे मिलता है, और ऊपर जो है शार्क फिन एंटीना ये मिल जाता है। अब जो है इसका बूट ओपन करके देखते हैं, अंदर से कर लेते हैं। यहाँ से जो है इसका बूट ओपन होगा, तो यहाँ पे बूट देखेंगे बहुत ह्यूज यहाँ पे बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, 420 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस इस गाड़ी में मिलता है। रिफ्लेक्टर हो गया, बाकी जो है लगेज लैंप यहाँ पे मिलता है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है, और कोई भी यहाँ पे इंसुलेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पे देखेंगे इसके स्टेपनी को, तो स्टेपनी इसके नीचे मिलता है, और जो स्टेपनी का साइज़ है वो यहाँ पे 175/65R14 का स्टील रिम ही मिलता है सेम साइज़ का। तो ये था बूट स्पेस के बारे में। यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है, देख सकते हो। करते हैं इसको बंद, अब चलते हैं अंदर। अंदर जाने से पहले इसका फ्यूल टैंक बता देता हूँ। इसमें जो है फ्यूल टैंक जो आता है 35 लीटर का, यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी आती है।
अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे इसका डोर, पहले ये पोंपों बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका डोर ज़बरदस्त लग रही है, बहुत बढ़िया फिनिशिंग, फिट फिनिशिंग यहाँ पे मिलता है। जो प्लास्टिक की क्वालिटी यूज़ करते हैं होंडा, वो यहाँ पे बहुत प्रीमियम यूज़ करते हैं, बढ़िया लगता है। चारों के चारों पावर विंडो हो गया, ड्राइवर वाला ऑटो डाउन फीचर के साथ यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जो है सॉफ्ट टच दिया गया है, देख सकते हो फैब्रिक में है, बढ़िया लग रहा है। सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पे मिलता है, बढ़िया लगता है। सिल्वर फिनिशिंग में डोर लीवर हो गया, इधर बॉटल होल्डर, न्यूज़पेपर होल्डर, ये सब मिल जाता है। यहाँ पे जो है सेंट्रल लॉकिंग वाला बटन यहाँ पे मिल जाता है, ये विंडो लॉक करने वाला बटन। यहाँ पे फोल्डेबल भी आ जाता है, देख सकते हो, बढ़िया है, ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे सीट की बात करते हैं तो सीट देखो, प्रॉपर जो है यहाँ पे फैब्रिक में मिलेगा सीट, और सीट की कुशनिंग है वो डिसेंट है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। यहाँ पे देखेंगे तो हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाता है, जो कि मैनुअली है, और जो क्वालिटी है ज़बरदस्त। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है फ्रंट में, रियर में जो है फिक्स जा रहे हैं, और साइड में कोई इसमें एयरबैग नहीं आ रहे हैं। एयरबैग की बात करेंगे तो इसमें दो ही आते हैं, जो कि फ्रंट में मिल रहा है। अब यहाँ पे जो हेडलाइट लेवल देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे एसी वेंट हो गया, इधर भी सिल्वर फिनिशिंग दिया गया है। ब्लोअर को कम ज़्यादा करने यहाँ से आप कर सकते हो। अंदर बैठते हैं फिर अंदर का आपको माहौल दिखाते हैं। तो मैं अंदर बैठ चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंटीरियर बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। कार की कीज़ देख लो आप, तो इस तरीके से कार की कीज़ यहाँ पे मिलता है। एक जो है रिमोट की यहाँ पे मिल रहा है कुछ इस तरीके से, पीछे जो है होंडा का लोगो है, और इधर जो है बटन यहाँ पे मिल जाता है जिसमें लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे दिया गया है, और एक जो है प्योर मैनुअल की यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे स्टेयरिंग देखेंगे तो स्टेयरिंग राउंड शेप में इसमें मिलता है, सिल्वर फिनिशिंग होगा। इधर जो है म्यूज़िक के कंट्रोल्स मिलते हैं, ज़बरदस्त है, कॉलिंग वगैरह का काम यहाँ पे हो जाएगा। और इसके यहाँ पे देखेंगे तो इधर वाइपर वाले फंक्शन है, इस साइड में देखेंगे तो ये हेडलाइट के फंक्शन यहाँ पे मिलता है। स्टेयरिंग यहाँ पे देखेंगे तो टिल्ट मिल जाता है, बढ़िया है। तो एक बार ऑन कर लेते हैं इसका पावर, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑन हो जाता है, देखो बढ़िया लग रहा है, ज़बरदस्त है। तो ये रहा इसका क्लस्टर, क्लस्टर की बात करेंगे तो दोनों के दोनों एनालॉग मीटर यहाँ पे मिलता है। इधर स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर दोनों एनालॉग है, देख सकते हो। और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, किलोमीटर चेक कर सकते हो, एवरेज चेक कर सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो तो बस ट्रिप ए, ट्रिप बी और रेंज यहाँ पे शो करने वाला है। और ये 12 घंटे वाला टाइम सेट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ इतने सारे फंक्शन यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, छोटी सी स्क्रीन है डिजिटल वाली। तो ये था क्लस्टर के बारे में। और यहाँ पे देखो इसका डैशबोर्ड ज़बरदस्त लग रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये एसी वेंट के चारों तरफ सिल्वर फिनिशिंग, यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग मिलता है, बढ़िया प्रीमियम इंटीरियर ये बना देता है, बढ़िया लग रहा है। 2D का यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, बढ़िया है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर है पूरा सेटअप, और ये बटन्स वगैरह काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मिलता है, देख सकते हो, सिंपल सा है, ज़बरदस्त है। ये हैजर्ड लाइट का बटन हो गया, कॉलिंग रिसीव करना है, कट करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे तो मैनुअल एसी में मिलता है कुछ इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये चेंज करना है, हवा अंदर वाला रखना है, बाहर वाला रखना है। यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट 180 वाट आउटपुट के साथ यहाँ पे मिलता है, और इधर जो है यूएसबी पॉइंट यहाँ पे मिलता है 1 एम्पियर के साथ। फ़ोन यहाँ पे रख सकते हो आप, यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है। ट्रांसमिशन देखो तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे मिलता है, सिल्वर फिनिशिंग है, ये जो है लेदर फिनिशिंग है इसके ऊपर भी, बढ़िया है, पकड़ने में बहुत अच्छा फील होगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी लेदर मिल रहा है, इधर जो है क्रोम यूज़ किया गया है चारों तरफ, हैंड ब्रेक हो गया, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस यहाँ पे भी मिलता है। इधर आप देखेंगे तो इस साइड में ग्लव बॉक्स चौड़ी सी यहाँ पे मिल जाता है, इधर जो है एक अलग से स्पेस दिया है कार्ड वगैरह रखने के लिए, ठीक। करते हैं बंद। यहाँ पे IRVM देखेंगे तो मैनुअली डिनाइट एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे आता है। सिंपल सनवाइजर यहाँ पे मिल रहा है दोनों तरफ। इस साइड में जो है वैनिटी मिरर मिल जाता है, इधर ग्रैब हैंडल है, और इस साइड में जो है लाइट मिल रहा है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे मिल रहा है। तो ये था कार का इंटीरियर। अब आपको एक बार रियर कैबिन दिखा देता हूँ, क्या कुछ स्पेस वहाँ पे मिलता है। पहले मैं अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेता हूँ, तो ये सही है, परफेक्ट है। अब चलते बाहर। तो रियर वाला डोर देखिए आप, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है, बढ़िया लग रहा है। इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी सॉफ्ट टच यहाँ पे मिल जाता है, पावर विंडो वाला बटन हो गया, यहाँ पे हैंडल दिया है, यहाँ पे बॉटल होल्डर हो गया, स्पीकर ग्रिल यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके से। सीट बहुत अच्छा यहाँ पे मिलता है, देख सकते हो, यहाँ तक ये यह है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
यहाँ अगर कोई भी पैसेंजर यहाँ पे 3 लोग अगर बैठते हैं तो सीटों में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। फिक्स्ड हेडरेस्ट है, पहले ही बता दिया था आपको। सेंटर आर्मरेस्ट मिल रहा है, कप होल्डर के साथ है, बड़ा सा चौड़ा सा, और अंदर बैठते हैं तो यहाँ पे स्पेस देखो आप भाई, कम से कम 1 फीट से थोड़ा सा कम जगह यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ज़्यादा स्पेस है, देख सकते हो, बढ़िया सा है इंटीरियर, काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे फील होता है। बीच कलर इंटीरियर यहाँ पे मिल रहा है, बढ़िया सा ज़बरदस्त लग रहा है। इधर हैंडल्स दिया गया है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो रियर में पावर आउटलेट मिल जाता है कुछ इस तरीके से, 12 वोल्ट 180 वाट के साथ। यहाँ पे एडाप्टर लगा के आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। सीट बैक पॉकेट दोनों इस साइड में नहीं मिलता, इस साइड में मिल जाता है। तो ये था कुछ रियर कैबिन, अच्छे स्पेस के साथ यहाँ पे मिल रहा है। अब चलते हैं इंजन की तरफ, कैसा कुछ इसमें इंजन मिल जाता है वो आपको बता देते हैं। भाई बढ़िया इंजन ये आता है। बोनट जो है यहाँ से ओपन होगा, ऊपर जो है वो फ्यूल लीड ओपन करने के लिए। बढ़िया सा यहाँ पे देख सकते हो इंजन मिल जाता है, होंडा का एकदम रिलायबल इंजन है, आईवीटेक इंजन आता है जो बहुत पहले से आ रही है और कोई भी इसमें शिकायत नहीं आती है। 1.2 लीटर का इंजन है, यहाँ पे 4 सिलेंडर के साथ आ रहा है और वेल मैनेज्ड है। यहाँ पे देख सकते हो ABC यूनिट उधर हो गया, इंजन हो गया, यहाँ पे बैटरी हो गया, इधर जो है फ्यूज़ बॉक्स हो गया, बहुत सही है। और ये जो इंजन पावर प्रोड्यूस करता है वो 88 BHP का यहाँ पे पावर प्रोड्यूस करता है, और जो टॉर्क है वो 113 Nm का टॉर्क यहाँ पे जनरेट करता है पेट्रोल इंजन में। सिंपल इंजन है, कोई भी टर्बो वगैरह इसमें नहीं आ रहा है। तो ये था इसके इंजन के बारे में, करते हैं इसको बंद। अब बात करते हैं इसकी माइलेज की, तो माइलेज कितना दे देती है। भाई इसमें जो क्लेम होता है वो लगभग 18 KMPL का माइलेज इसमें क्लेम होता है, बाकी आपके ड्राइविंग के ऊपर है, आप इसको कितना भी निकाल सकते हो। तो ये था इसके माइलेज के बारे में। अब आते हैं इसके कीमत की, तो कीमत कितने में यह गाड़ी आपको मिल रही है। 7,83,700 इसका एक्सशोरूम कीमत है। बाकी ऑन रोड के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल छोड़ दिया है, आप कॉन्टैक्ट करके इसका ऑन रोड प्राइस पता कर सकते हैं, और चाहे तो आप गाड़ी बुक भी करा सकते हैं। तो कैसी लगी गाड़ी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।